બિહારના સીએમ નીતિશ કુમાર ઉદ્ધવ ઠાકરેની મુલાકાતે પહોંચ્યા। નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવની ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે મુલાકાત, ત્યારે આ મોટી એક પોલિટિકલ ગતિવિધિ કહી શકાય। ઉદ્ધવ ઠાકરેની સાથે સાથે આદિત્ય ઠાકરે પણ હાજર છે। વિપક્ષી એકતા માટે નીતિશ કુમાર અત્યારે કસરત કરી રહ્યા છે, તેવામાં બિહારના સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેને મળવા પહોંચ્યા હતા। તો આ તબક્કે ઉદ્ધવ ઠાકરેનું નિવેદન, રાજ્યપાલને સત્ર બોલાવવાનો અધિકાર ન હતો અને મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ વિશે ઉદ્ધવ ઠાકરે આ નિવેદનો આપ્યા છે, દેશ અને સંવિધાનને બચાવવાનો છે તેમ પણ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું। પૂરે દેશ કે લીએ કોઈ કામ નહીં કર રહે હૈ ઓર સમજ લીજિએ ઇતિહાસ બદલ રહા હૈ, ઇસલિએ ઇન સબ ચીજો કો દેખતે હુએ અપને દેશ કે હિત મે ઓર આઝાદી કી લડાઈ હુઈ ઓર કિસ તરફ સે દેશ આઝાદ હુઆ હૈ और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथ ही हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता है। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी, और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधता बिहार ना सीएम नीतीश कुमार, नीतीश कुमारे कई रीते विपक्षी एकता ना प्रयत्नों तेओ करी रहा छे ते विषे बात करी।